राकेश जी, मुरादाबाद के गुमनाम क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद के बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। सूफी अंबा प्रसाद भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की ऐसी शख्सियत हैं जिसके बारे में शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा कि वे सच्चे देशभक्त थे। उनके हृदय में देश के लिए दर्द था। वे भारत की प्रतिष्ठा देखना चाहते थे, भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहते थे। तो भी आज भारत में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। यानी जिसका शहीद आजम भगत सिंह इतना आदर करते थे वो थे सूफी अंबा प्रसाद। सूफी अंबा प्रसाद भारत की क्रांतिकारी परंपरा में उस दौर के नायक हैं जब क्रांतिकारी परंपराएं जन्म ले रही थी, पत्रकारिता शुरू हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। इनका जन्म 19 जनवरी 1858 को मुरादाबाद जिले में हुआ। इनका एक हाथ कटा हुआ था और ये अपने बारे में ये कहते थे कि 1857 की लड़ाई लड़ते हुए मैं शहीद हुआ, इसीलिए मेरा 1858 में जन्म हुआ है और वहाँ मेरा हाथ कट गया था, इसलिए वो जन्म से ही मेरा हाथ एक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई की, बरेली में पढ़ने गए और सूफी एक इनके गुरु थे जिन्होंने ने प्रेरणा दी देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे सूफी लगाया और मुरादाबाद में एक जमायुल इलून उर्दू अखबार निकाला 1890 में। 1890 में जब पत्रकारिता शुरू हो रही है और अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी कलम उठाई कि 1897 में राजद्रोह में ये गिरफ्तार हो राजद्रोह में इन्हें गिरफ्तार करा गया लेखन के कारण और फिर छूट गए। 1899 में आए फिर इन्होंने लिखना शुरू करा अंग्रेजों के खिलाफ, तो फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। उसमें एक बीच में कहानी भी आती है कि एक बार अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करने पहुँचे तो ये अपने घर पे एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था उसके पीछे छिप गए और फिर दूसरे दरवाजे से निकल के चले गए। लेकिन खैर बहरहाल वो गिरफ्तार हुए और अब की बार अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है, मानेगा नहीं ऐसे, तो 6 साल की कठोर कारावास दी और संपत्ति भी जब्त कर ली। लेकिन 6 साल में वो टूटे नहीं और उसके बाद जब वो वहाँ से जेल से छूटे तो उसके बाद चले गए पंजाब और पंजाब में हिंदुस्तान अखबार में काम करने लगे। इनकी प्रतिभा और इनके दिमाग की ताकत को देख के, कायस परिवार में जन्मे थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें उस समय ये ऑफ़र दिया कि आप पंजाब में अगर हमारे लिए जासूसी कर दो तो हम 1000 रुपये माह आपको देंगे और आप अखबार में काम करते रहो। इन्होंने इसको ठुकरा दिया और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के साथ मिलके जो पंजाब में हिंदुस्तान अखबार में काम करते हुए भारत माता सोसाइटी की स्थापना की अजीत सिंह ने, उसके साथ मिलके उनमें काम करने लगे। और हम लोग सभी जानते हैं देश का एक प्रसिद्ध आंदोलन पगड़ी संभालो जट्टा आंदोलन जो अजीत सिंह ने किया था, उस किसान आंदोलन के पीछे भी ये माना जाता है कि सूफी अंबा प्रसाद की दिमागी ताकत का बड़ा योगदान था। इस समय सूफी अंबा प्रसाद भगत सिंह के घर में अक्सर रहा करते थे और इसी समय भगत सिंह का उनसे परिचय हुआ और भगत सिंह के विचारों को परिपक्व बनाने में भी सूफी अंबा प्रसाद का काफ़ी योगदान दिया। इसीलिए अपने एक गुरु के रूप में भगत सिंह सूफी अंबा प्रसाद का वर्णन करते हैं। 1909 में इन्होंने पेशवा अखबार निकाला पंजाब से ही अपना, लेकिन सरकार दमन पे आपदा थी और ये वो काल था जब तिलक को भी सज़ा दी जा रही थी और इन्होंने अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद को भी सरकार पकड़ने की कोशिश की तो ये लोग यहाँ से ईरान चले गए और ईरान से टर्की भी गए। और उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब 1914 में विश्व युद्ध छिड़ा तो उसकी पृष्ठभूमि में जो जर्मनी में तैयारी चल रही थी उससे मिलके पूरे दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करना, विशेषकर टर्की में और ईरान में, और उसके बाद 1914 की लड़ाई में इन्होंने एक फ़ौज बना के ईरान में
भारत की मुक्ति के लिए अफगानिस्तान की तरफ से आक्रमण करना। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादीन फौज बनाई, तो उसका पहला दौर सूफी अम्बा प्रसाद ने भी भारत के क्रांतिकारियों से मिल के यहाँ लड़ाई की। हम लोग जानते हैं कि इस समय राजा महेंद्र प्रताप ने एक स्वतंत्र सरकार का गठन भी कर लिया था अफगानिस्तान में, तो ये इनका योगदान था। उसी काल में इन्होंने ईरान पे भी, चूंकि आक्रमण हुआ है इनका, तो ईरान के क्रांतिकारियों को भी ट्रेनिंग दी इन्होंने। तो शीरान शहर में ईरान के रहते हुए इन्होंने क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी, और इसलिए ईरान के भी बहुत से क्रांतिकारी सूफी अम्बा प्रसाद को अपना गुरु मानते हैं। और इसी समय 1915 में ईरान के शीरान शहर में जब अंग्रेज़ों की फ़ौज पहुंची, तो उन्होंने वहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लड़ते हुए रिवॉल्वर निकाली, इन्होंने गोली चलाई, लड़ते हुए गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेज़ इन्हें फांसी भी चढ़ाने की घोषणा की अंग्रेज़ों ने, लेकिन इन्होंने जेल में ही अपनी समाधि लगा दी। और चूँकि जेल में समाधि लगा दी और सूफी नाम इनके आगे जुड़ा हुआ था, तो इन्हें एक रूहानी संत मानते हुए इनकी शीरान शहर में मजार बना दी गई। और चूंकि ईरान बाद में स्वतंत्र हो गया और इनके बहुत से शिष्य सरकार में शामिल थे, तो वहाँ मजार पे सूफी अम्बा प्रसाद की याद में मेला लगाने की परंपरा शुरू हुई। और ये मेला, ऐसा सुना जाता है कि आज तक ये मेला सूफी अम्बा प्रसाद की याद में ईरान शहर में लगाया जाता है। लेकिन हमें अफसोस है इस बात का कि मुरादाबाद में जहाँ के रहने वाले हैं, इनकी वो जगह पड़ी हुई है, वो ऐतिहासिक इमारत पड़ी हुई है जहाँ पे ये अखबार निकालते थे और दो दो बार गिरफ्तार हुए, उस जगह पे आज भी खंडर पड़ा हुआ है। सरकार ने उसकी कोई शुद्ध नहीं ली है, कोई स्मारक नहीं बनाया है, और जो छोटा मोटा प्रयास किया है उससे भी वहाँ कोई मूर्ति की स्थापना या कुछ भी नहीं हो पाया। और मुरादाबाद के लोगों को ये याद भी नहीं है, देश के लोगों को तो छोड़िए, लेकिन मुरादाबाद के लोगों को याद नहीं है, और उनकी जाति के लोगों, कायस्थों को भी याद नहीं है कि सूफी अम्बा प्रसाद जैसा महान व्यक्ति, जिसे भगत सिंह जैसे शहीद आजम ने अपना गुरु माना, वो मुरादाबाद की एक ऐसी शख्सियत था कि जिससे अंग्रेज़ सरकार हमेशा भयभीत रही।